Live, a platform to sharing your thoughts. गुलाबी नगर में अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ के बीच स्थित है किशनपोल बाजार। यह सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर किशनपोल बाजार व्यापार मंडल इसके विकास के लिए प्रयास कर रहा है। इस बार किशनपोल बाजार व्यापार मंडल की ओर से इस बाजार में दिवाली महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए खास तौर से अजमेरी गेट और छोटी चौपड़ पर विशेष कलाकृतियाँ बनाई जा रही है। इस दौरान पूरे बाजार में सभी दुकानों पर आकर्षक प्रोडक्ट और ऑफर दिवाली के मौके पर ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिवाली के सीजन में व्यापारी तो तैयारियां करते ही हैं, लेकिन साथ ही ग्राहक भी इसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस सीज़न में ख़रीदारी करने से घर में सुख संपदा आती है। इसके साथ मान्यता भी है और इस मौके के लिए खास तरह का कलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस शोरूम्स पर खास तौर से ज्वेलरी ट्रेड में ये उपलब्ध रहते हैं, इसलिए लोग इसका इंतज़ार करते हैं इस सीज़न में। तो इनसे बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे ग्राहक आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि जो आज ख़रीदारी करने आए हैं, क्या ख़रीदारी कर रहे हैं आप? सेट देख रहे हैं। किसका सेट? डायमंड का, गोल्ड का। आप बताइए क्या लेने आए हैं आप? मैं यहाँ पे सेट पोलकी का सेट और चांदी के ग्लास और ट्रे। हमेशा आप खरीदते हैं दिवाली पर, क्या क्या खरीदारी करते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिवाली पे कभी साल दो साल में एक बार तो ज़रूर खरीदते हैं। अच्छा है, इससे सुनने में ही आता है और है भी सही कि खरीदते हैं तो इससे लक्ष्मी की और अच्छी वो रहती है और बहुत अच्छा रहता है घर के लिए। यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें डिफरेंट है और लोग का दिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मतलब अपनेपन का लगता है यहाँ के कि हाँ। और मैं तो जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ लेके जरूर जाती हूँ। अच्छा, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है आप जो देख रहे हैं, ये किस तरह? मैं डायमंड का सेट देख रही हूँ और क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्योरिटी। हाँ, गोल्ड में भी, डायमंड में भी, किसी चीज़ में आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे ग्राहक आए हुए हैं और ख़ास तौर से इस समय जो ख़रीदारी हो रही है उसमें कई नई डिज़ाइंस, नई वैरायटी भी यहाँ पर उतारी गई है। और ग्राहकों की तरफ से कहना है कि भरोसा व्यापार में और ख़रीदारी में होना चाहिए, वो उनको यहाँ पर मिल रहा है। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। किशनपोल बाजार व्यापार मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं अध्यक्ष मनीष खूटेटा और महामंत्री आनंद मेहरवाल। इनके नेतृत्व में इस बार दिवाली उत्सव में पूरे बाजार को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल कैसा रहने वाला है और क्या है इसकी तैयारी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं किशनपोल बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष खूटेटा। इनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं इस बार। इस बार आने वाली दीपावली के लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को इनवाइट करता हूं कि आप परकोटे बाज़ार में पधारिए। पूरा परकोटा बाज़ार दिवाली पे हर साल की तरह बहुत अच्छी सजावट करने वाला है। इसमें किशनपोल बाज़ार भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। एक किशनपोल पारंपरिक और पुराना बाज़ार तो है ही, साथ ही स्मार्ट सिटी के लिए भी सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है, उसकी तैयारियां भी यहां पर की जा रही हैं। तो एक शॉपिंग डेस्टिनेशन के तौर पर तेज़ी से उभरा किशनपोल बाज़ार और व्यापार मंडल की इसमें किस तरह का इसमें योगदान है और आपकी ओर से क्या तैयारी है? भाई, किशनपोल व्यापार मंडल जो हमारे बाज़ार को स्मार्ट बाज़ार बनाया है, उसी को देखते हुए हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं दिवाली पर, जिसमें सारी दुकानों का, एक एक दुकान का फोटोग्राफी समेत पूरी वो क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, किन किन आइटमों में डील कर रहे हैं, वो पूरी चीज़ बताई जाएगी। तो उससे कस्टमर को घर बैठे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या बाज़ार में अवेलेबल है।
हमारा बाज़ार आयुर्वेदिक बाज़ार में नंबर वन है, हमारा बाज़ार की साइकिल ट्रेड में नंबर वन है, बांडबूज ट्रेड जो अपने निवार के पलंग आते हैं रस्सियों का, और आजकल जो हैंडमेड बैग आ रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक तो बैन हो गया है, हैंडमेड बैग इसमें भी नंबर वन बाज़ार है, और ज्वेलरी के लिए बहुत अच्छा बाज़ार है चौपड़ पे जालानियों के रास्ते में, और हमारे बाज़ार में कम से कम 50 दुकानें ज्वेलर्स की हो चुकी है, और यहाँ ज्वेलर्स सब क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे आप आइए देखिए, आपको बहुत इन्जॉय होगा और आपको एक से एक अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी किशनपुर बाज़ार में। आप ज्वेलरी ट्रेड को इतने वर्षों से जानते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह का अभी रुझान है ज्वेलरी ट्रेड में और आपने क्या तैयारी की है, किस तरह के डिज़ाइन कलेक्शंस? ज्वेलरी ट्रेड में रुझान इन दिनों अच्छा है, बीच में ज़रूर मंदी थी लेकिन पिछले 3-4 रोज़ में ज्वेलरी ट्रेड में काफ़ी अच्छा बाज़ार में हलचल है, और हमने हर साल नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बार भी हमने दिवाली के लिए काफ़ी चीज़ें तैयार करी है जिसमें चांदी के आइटम ज़्यादा बिकते हैं, तो चांदी में फुल रेंज है, आप आइए बाज़ार में देखिए। चांदी में आजकल हमने नई नई तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है, ये आप देखेंगे पीछे की साइड आपको काफ़ी आइटम नए नज़र आएंगे। इसी तरीके से हमने गोल्ड में, डायमंड में और कुंदन मीने पोलकी में पूरी रेंज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, आप किशनपुर बाज़ार ज़रूर पधारिए। दिवाली पर जो रोशनी का सूचन होता है उसमें मुख्यमंत्री के आने की परंपरा रही है, क्या इस बार भी इस तरह की कोई तैयारी है? इस बार हम दिवाली पर किशनपुर बाज़ार को बहुत बढ़िया तरीके से सजा रहे हैं, और हम चाहते हैं और हमारा निवेदन भी है कि मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत जी यहाँ पधारें, और वो यदि लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अर्ज की बात होगी। तो हमने उनको लेटर भी भेजा है और अभी हमारे पास वहाँ से जवाब आएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय हमको निराश नहीं करेंगे। तो ये हैं किशनपुर बाज़ार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष कुटेटा, इनकी ओर से और इनकी पूरी टीम की ओर से दिवाली फेस्टिवल की खास तैयारियां की जा रही हैं, और इस बार किशनपुर बाज़ार आकर्षण का केंद्र रहेगा सजावट में, क्योंकि यहां पर खास थीम पर दरवाजे बनाए जा रहे हैं और खास थीम पर सजावट की जा रही है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।